बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आप ये है ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब आ चुकी है जी। ईद उल अज़हा के ऊपर जो छुट्टियों का ऐलान किया गया है सरकारी अदारों को, और हम यानी कि परदेसी गैर मुल्की मेरे जैसे भाई जो यहाँ पर मुकीम है, हमको कितनी छुट्टियाँ की गई हैं। अच्छा, मैं आपको भाई यहाँ पर वो स्क्रीन शॉट भी चला कर दिखा दूंगा, और अभी मैं खुले मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ से आपको कुछ लाइव मनाजर दिखाता हूँ, साथ में मैं चांद के चांद नजर आने के, और साथ में आपको छुट्टियों के मुतल्लक मुकम्मल डिटेल वजारत मवादल बशरिया की तरफ से जो भाई अनाउंसमेंट की गई है कन्फर्म, वो आपको दिखाता हूँ साथ में जी। तो मगरब का टाइम हो चला है जी, और चांद यहीं पर कहीं नजर आएगा, लेकिन आपको भाई मैं साथ में आसमान दिखाता जाऊँ तो जा रहा हूँ, और साथ में आपको मैं छुट्टियों के मुतल्लिक अभी यहाँ पर बता दूंगा। अगर सरकारी इदारों की बात करें तो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ भाई, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि बुध वाले दिन आखिरी ड्यूटी होगी तमाम तर सरकारी इदारों की, और जो नेक्स्ट उससे आगे वाला इतवार आएगा, उस इतवार को नहीं भाई, उससे जो आगे वाला इतवार आएगा उस इतवार तक की छुट्टियां की गई हैं, यानी कि 10 से 11 दिन बनते हैं, ये गालबन आप यहां पर देख रखे होंगे। और अभी बात कर लेते हैं गैर मुल्की परदेसी भाइयों के लिए कि उनकी कितनी छुट्टियों का ऐलान किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके मुतल्लक भी जो ट्वीट की गई है वजारत मवादल बशरिया की तरफ से, यानी कि इतवार वाले दिन भाई हमारी आखिरी ड्यूटी होगी, और मंडे सोमवार वाले दिन हज पढ़ा जाएगा, उस दिन छुट्टी है जी, और मंगल वाले दिन ईद होगी, तो मंगल वाले दिन की छुट्टी होगी, बुध वाले दिन की यानी कि सोमवार की तो होगी ही, हज वाले दिन को लेकर सोमवार की, मंगल की, बुध की और जुमेरात की, और साथ में हमारे साथ मिल जाएगा जुमा, यानी कि 5 छुट्टियों का ऐलान है जी गैर मुल्कियों के लिए, और 10 से 11 दिन की छुट्टियों का ऐलान है तमाम तर सरकारी अदारों को। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी ईद हा के मुतलक, छुट्टियों के ऐलान के मुतलक, जिससे मैंने आपको अपडेट कर दिया है, और आज चांद कन्फर्म नजर आएगा, ये क्लियर बात है, क्योंकि आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं जिल्कदा के।